हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। होर सारे किद्दां चंगे? चलो तुसी चंगे तो सी, बहुत ही चंगे। और पिछले हफ्ते हमारे यहाँ जो सोसाइटी में गणेश उत्सव रखा गया था उसकी काफ़ी धूमधाम से स्थापना हुई और बहुत धूमधाम से ही विदाई हुई। तो हम सब लोगों के लिए ये वो पल बहुत ज़्यादा ही यादगार रहे। तो वो तो अभी सारा रूटीन चल ही रहा था, उन दिनों हम काफ़ी बिजी रहे जिसके कारण घर के काम भी काफ़ी पेंडिंग हो गए। पर ये सब चलता रहता है लाइफ में। बहुत कुल मिला के मज़ा आया। और फिर आज काफ़ी दिनों बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। यहाँ मैंने भिगोए हैं चावल और ये चावलों की आज मैं बनाने वाली हूँ खीर कुछ अलग स्टाइल से। और 4-5 चम्मच मैंने चावल भिगोए हैं, दूसरे कप में मैंने थोड़े से काजू, 4-5 काजू और 2 चम्मच चावल भिगोए हैं। इस तरीके की खीर मेरे ख्याल से आज तक आपने नहीं खाई होगी, और खाई होगी तो सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट में खाई होगी। और यहाँ मैंने जो चावल भिगो के रखे हुए थे ये 2 घंटे हो गए हैं, इनको अब मैं छान लूँगी। और जो ये काजू के साथ चावल भिगोए हैं मैंने, इनकी अब मैं एक थोड़ा सा पानी डाल के फाइन पेस्ट बना लूँगी। और अच्छे तरीके से पिसे होने चाहिए, तभी बहुत ज़्यादा वाला जो होता है हलवाई के टेस्ट वाली फिरनी कह लो, खीर कह लो, वो खाने को मिलेगी। तो इस स्टाइल से आप भी कभी बनाइएगा। तो यहाँ पे मैंने फ़ाइन पेस्ट बना ली है। अब मैंने ली है खूब भारी तले वाली ये कढ़ाई। इसका खास कारण है कि ये भारे तले वाली कढ़ाई लेनी होती है, नहीं तो इसका थल्ला लग जाएगा। और यहाँ मैंने थल्ले में थोड़ा सा पानी डाल के और दूध डाल दिया है, और दूध हमारा है गाय का जो कि बहुत पतला होता है। तो अब इसमें जो मैंने भिगो के रखे हुए थे 3 चम्मच चावल, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं, और वो अब लगातार मैं चलाती रहूँगी, नहीं तो इसका थल्ला लग जाएगा। और साथ ही मैं डाल दूंगी वो जो हमने पेस्ट बनाई है वो। और अब इसको हम लोग लगातार चलाते रहेंगे, अगर कहीं भी हमने इसको छोड़ा तो ये बहुत काम ख़राब होने वाला है। इसलिए इसका खास ध्यान रखिए, क्योंकि आज ये स्पेशल आपकी खीर बनने वाली है। जब भी कभी गेस्ट आए तो आप इन्हें बनाइए, या अपने घर के लिए भी बनाइए। हमारे यहाँ तो बच्चे और मैं सब बहुत शौक से खाते हैं, क्योंकि ये रबड़ी टाइप में बनने वाली है। और अक्सर आप इसको जब कहीं बाहर रेस्टोरेंट में खाते हैं तो उसको टेस्ट में यहाँ पर भी घर पे आप बना सकते हैं। और यहाँ मैंने डाले हैं सिर्फ काट के थोड़े से बादाम, और ये डाला है मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं इन चीज़ों में ज़्यादा ड्राई फ्रूट पसंद नहीं करते। अब यहाँ पे मैंने रखी है चीनी, और ये आप सोच रहे होंगे चीनी किस लिए रखी है, इसके लिए भी एक भारी तले वाली मैंने कढ़ाई ली है। और अब मैं चीनी को बिल्कुल स्लो फ्लेम पर लगातार हिलाती रहूँगी जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, और जब तक कि ये बिल्कुल ब्राउन नहीं हो जाता और मेल्ट नहीं हो जाती। तो इसलिए इसको लगातार चलाना है, और स्पेशल इसकी जो हम लोग फ्लेम है वो लो रखेंगे, नहीं तो ये जल जाएगी। और इसको बड़ी सावधानी से बनाना होता है। और इसके साथ ही ये है कि जब ये मेल्ट हो जाए अच्छे तरीके से तो फौरन हमने इसको खीर में डाल देना है। खीर हमारी उधर एक तरफ पक रही है और दूसरी तरफ ये हमारी चाशनी तैयार हो गई है। तो इसमें देखिए हमने पानी भी नहीं डाला, और डालते ही खीर में कलर कैसे चेंज हो गया है, हो गया ना बिल्कुल कुल्लड़ वाली रबड़ी टाइप में तैयार। तो अब हम इसको हिलाते रहेंगे। और कई लोग जो लाइट मीठा खाते हैं उनके लिए इतना ही बहुत है, लेकिन हम लोग मीठा काफ़ी खाते हैं तो मैं थोड़ा सा इसमें शुगर डाल दूंगी। बाकी अपने ड्राई फ्रूट भी अपनी मर्जी से और ज़्यादा डाल सकते हैं, हमारे यहाँ तो यही खाया जाएगा। और अगर इसमें डालनी हो किशमिश तो किशमिश प्लीज़ सबसे बाद में डालें, नहीं तो फटने का डर रहता है। कुल मिला के ये फिरनी टाइप की खीर हमारी हलवाई स्टाइल में हो गई है तैयार, जिसमें रबड़ी का फ्लेवर भी आने वाला है, क्योंकि कढ़ाई के साइडों में जितना भी खोया टाइप का जमता है वो हम उतार लेंगे। तो वहाँ मैंने खीर कर दी है बंद, और वो अब ठंडी होने के लिए रख दी है। इधर मैंने मशीन चला रखी थी, तो अब मेरे कपड़े गए हैं धुल, और आज जब मैं कपड़े धो रही थी तो हो गई थी बारिश स्टार्ट। तो मैंने सोचा था शायद आज कपड़े नहीं सूख पाएंगे, पर 5-10 मिनट की बारिश के बाद अब ये धूप निकल आई है, तो मैंने सोचा कि मैं अब इन कपड़ों को बाहर ही डाल देती हूँ। तो बस हम औरतों के लिए भी सुबह से उठ जाओ तो रात तक काम करते रहो, कामों की कोई कमी नहीं है।
और इन सब बोरिंग कामों को भी अगर आप मूड बना के करेंगे तो अच्छे से हो जाएंगे, क्योंकि इस ये वाकई कभी कभी ना काम करते करते बोर होने लग जाता है इंसान, रोज़ वही काम, सुबह से लेकर रात तक काम ही काम, सांस लेने की फुर्सत ही नहीं होती, काम निकालो तो 100 काम निकल आते हैं। लेकिन इन कामों को जब हम करते हैं मन से कि यार करने तो हैं ही, कर लो, कौन करेगा नहीं, तो इस तरीके की जब हम सोच रख के करते हैं तो ये बोरिंग सारे काम भी खुशी खुशी से हो जाते हैं। और यहाँ खीर हो गई है ठंडी और अब मैं इसको फ्रिज में लगा दूंगी, क्योंकि हमारे बच्चे और मैं सारे जने हम ठंडी खीर खाना ही पसंद करते हैं। तो ये काफ़ी थिक हो गई है, देखो बिल्कुल रबड़ी जैसी, और इसका टेस्ट भी आप माने या ना माने रबड़ी जैसा ही होने वाला है। और अब मौसम हल्का हल्का सा चेंज होना स्टार्ट हो गया है, दोपहर तक काफ़ी गर्मी रहती है लेकिन शाम होते ही बहुत सुहावना सा मौसम हो जाता है। और इसके साथ साथ हमारे घर के पास जो है डस्ट मिलें चल रही हैं धान की, तो बहुत ज़्यादा डस्ट आ रही है जिसके कारण बहुत थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, कपड़े बाहर सुखाने मुश्किल हो रहे हैं और भी काम करने मुश्किल हो रहे हैं, डस्ट अंदर तक बहुत ज़्यादा आ रही है। तो बस अब यहाँ मैंने लंच जो है कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद अब मैं किचन क्लीन करके थोड़ी देर रेस्ट करूँगी क्योंकि सुबह से उठी हुई हूँ, और अब मैं आपको सीधा मिल रही हूँ इवनिंग में। और इवनिंग में उठते ही पहले मैं आपको पता ही है, जो लोग मेरा डेली व्लॉग देखते होंगे रेगुलर मेरे साथ टच में होंगे, कि मैं सबसे पहले बर्तन समेटती हूँ और उसके साथ साथ बना लेती हूँ अपनी चाय। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट मैं करती हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो देख के ऐसे ना जाएं, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। और इसके साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएँ। तो यहाँ बस फिर मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय, और चाय सिर्फ मैं अकेली ही पीती हूँ इस टाइम पर, कोई और चाय नहीं पीता, और शाम मेरी चाय के बगैर स्टार्ट नहीं होती। अगर मैं चाय नहीं पीऊँगी तो मेरा मन ही नहीं करता कि मैं अगला काम करूँ, मन तो क्या, मेरा तो दिमाग ही चलना बंद हो जाता है, ऐसे लगता है कि चाय पीऊँगी तो कोई काम हो पाएगा, वरना काम नहीं हो पाएगा। तो चलिए आप भी मेरे साथ शाम के टाइम चाय का एंजॉय कर लीजिए, और मैं आज अंदर बैठ के चाय नहीं पीने वाली क्योंकि आज जो दोपहर को बारिश हुई है उसके कारण मौसम बहुत अच्छा हो गया है, हवा भी चल रही है और मौसम में है ठंडकपन, और मेरे को ये मौसम बहुत पसंद है, तो इसलिए आज मैं थोड़ा बाहर बैठ के ही चाय पीऊँगी। तो बारिश होने से कपड़े भी अभी तक नहीं सूखे, तो स्टैंड को मैंने रख दिया है बाहर ताकि थोड़ी देर मैं बाहर बैठ भी लूँगी और कपड़े भी फिर से सूख जाएंगे। और अब मैं यहाँ शाम की करने वाली हूँ तैयारी, क्योंकि झाई जी ने कहा है कि कुछ दाल वगैरह बना लो, तो आज हम तंदूर जला के रोटियाँ बनाएंगे, तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर यहाँ 3-4 मिक्स करके मैं दालें जो है वो बनानी रख दूँगी, तो उधर हम लोग तंदूर की तैयारी कर लेंगे। तो आज हम सास बहू मिलकर ही घर में ढाबा खोलने वाले हैं, मैं मजाक कर रही हूँ, मतलब कि हम लोग दाल के साथ तंदूरी रोटी बनाएंगे। तो तंदूर की रोटी जहाँ पे होती है वहाँ ढाबा खुल ही जाता है, जब हम तंदूर जलाते हैं तो अड़ोस पड़ोस भी सारे कहते हैं कि हमारी भी बना देना, हमारी भी बना देना, तो बहुत डिमांड रहती है तंदूर की रोटियों की, और ख़ासकर प्याज की रोटियों की, आलू के पराठों की। देव तो कहने लगा कि मुझे प्याज की रोटी बना दो, पर मैंने कहा कि दोपहर को प्याज की रोटी बना के दूंगी कभी, या मॉर्निंग में प्याज के पराठे जो नाश्ते में बनाऊंगी वो बनाऊंगी, अभी तो फ़िलहाल दाल के साथ रोटी बनाऊंगी और सलाद हो जाएगा, मक्खन निकाल ही रखा है, मक्खन हो जाएगा, नींबू का अचार हो जाएगा साथ में, तो बस हमारा ढाबा खुल गया ना घर पर ही, प्योर देसी स्टाइल वाला। तो यहाँ मैं फटाफट अब बना लूँगी देसी घी में दाल, और दाल मैंने थोड़ी देर पहले भिगो के रख दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी जीरा, थोड़ी सी हींग और थोड़े सारे कटे हुए मसाले। मैं एक ही बार में तड़का लगा लेती हूँ पहले ही, इससे दूसरा बर्तन भी ख़राब नहीं होता, टाइम भी वेस्ट नहीं होता, और इस दाल का जो टेस्ट है ना वो आता है लंगर वाले स्टाइल का, क्योंकि अच्छे तरीके से जो मसालों का टेस्ट होता है वो दाल में बिल्कुल बस जाता है, और हम सारे पंजाबी लोग इस दाल को बहुत 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 पसंद करते हैं,
क्योंकि पंजाबियों कहते हैं ना कि गिजी हुई दाल, तो मुझे तो ये गिजी हुई दाल बहुत पसंद है, मुझे खिली खिली सी दाल नहीं पसंद। तो बस इस तरीके से एक ही तड़के में लग के ये दाल हो जाएगी हमारी तैयार, और इसके साथ ही हमारी तैयारी हो जाएगी तंदूर की। तो यहाँ मैंने और झाई ने मिलकर, अब तंदूर तो झाई ने ही जलाया था क्योंकि मुझे तंदूर इतना नहीं जलाना आता और झाई ही हमेशा तंदूर जलाती है, तो बस उसके साथ मैं थोड़ी बहुत हेल्प कर देती हूँ जितनी मेरे से हो पाती है। तो बस झाई अब रोटियाँ लगाती जा रही थी, मैंने उतार ली थी, और उसके बाद जो थोड़ी बहुत कच्ची रोटियाँ रह जाती हैं उन्हें चेक करके फिर उन्हें दोबारा से सेकना होता है, तो मैं वो यहाँ पे कर रही हूँ। और सॉफ्ट सॉफ्ट रोटियाँ बहुत बनी हैं आज, क्योंकि आटे में थोड़ा सा जो है वो बेकिंग सोडा डाल दिया था, तो उससे बहुत सॉफ्ट रोटियाँ बन गई हैं। तो उन सब रोटियों को पोंछ के और देख के सेक के अब उनमें खूब सारा मक्खन लगा लगा के उन्हें हॉट केस में बंद करके रख देंगे। और यहाँ लीजिए हमारा हो गया डिनर तैयार, और हम दोनों सास बहू ने आजकल मिलकर पूरा घर में ढाबा खोल लिया है, और एक काम हमने मिलकर कर लिया है और कंप्लीट कर लिया है कि आज शाम की जो रोटियां थी टाइम से बना के हॉट केस में डाल दी हैं। तो बस आज हमने कंप्लीट किया सास बहू ने मिलकर जो जिम्मेदारी ली थी। इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और फिर मिलती हूँ आपको नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपदा ख्याल रखिया जे, असी आपदा ख्याल रखांगे, बाकी सारयां दा रब राखा।